बाड़मेर जिले में चोरियों की वारदातें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शनिवार रात्रि को नेहरू नगर में एक होटल के आगे खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। चोरी की ये पूरी वारदात होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे चेक कर मामला दर्ज किया। बाड़मेर शहर में वाहन चोरी के बढ़ते मामले पुलिस के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। पुलिस की ढीली काले प्रणाली के चलते चोर इतने शातिर हो गए हैं कि आग झपकते ही वाहनों को पार कर देते हैं। ताजा मामला शहर के नेहरू नगर इलाके में सामने आया है, जहां एक होटल के आगे खड़ी स्कॉर्पियो को अज्ञात चोरों ने पार कर लिया। चोरों की ये पूरी करतूत होटल में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह स्विफ्ट कार में सवार होकर आए चोरों ने मात्र 10 मिनट में होटल के आगे खड़ी स्कॉर्पियो को पार कर लिया। होटल में लगे कार्मिक अकबर खान ने बताया कि होटल मालिक दरबार सिंह की गाड़ी हमेशा होटल के बाहर खड़ी थी। रविवार अल सुबह 4:15 बजे शिफ्ट लेकर आए बदमाशों ने स्कॉर्पियो के गेट लॉक और स्टीयरिंग लॉक तोड़कर चोरी कर लिया, जिसका वीडियो भी होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अकबर के अनुसार होटल मालिक ने इस संबंध में कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। यहाँ पर बाहर गाड़ी खड़ी थी स्कॉर्पियो हमारे शेर की दरबार सिंह, तो हमेशा दरबार सिंह खुद लेके जाते हैं। हम तो सो रहे थे अंदर, सुबह दरबार सिंह गया कि गाड़ी कहाँ है, तो गाड़ी कोई लेके गया। ये फिर हमने देखे, हमने पूछा था कि आप लेके गए, मैंने नहीं लेके गया, उनके अलावा कोई गाड़ी यूज ही नहीं करता है। फिर हमने देखा कैमरे में तो 4-5 जने आते हैं, एक स्विफ्ट गाड़ी लेके आते हैं, और एक बाइक वाला भी ऐसे दिखता है, वो भी आता है। फिर वो लेके चले गए, वो कैमरे में हमने देखा था सुबह 4:20। गौरतलब है कि बाड़मेर शहर में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों से आम जन में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। वहीं पुलिस की धीमी कार्य प्रणाली से भी अज्ञात चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वाहन चोरी का यह पहला मामला नहीं है जिसमें वाहन चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है जो सिर्फ थानों में दर्ज होकर रह गई, और पुलिस ना तो चोरी के वाहनों को जब्त कर पाई और न ही अज्ञात चोर अभी तक पुलिस के हाथ में लगे हैं। फिलहाल इस स्कॉर्पियो के मामले में पुलिस ने दरबार सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।